हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, और मैं द्वितीय वर्ष के छात्रों को आज कलर एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसका सब्जेक्ट कोड है PR 201 और यूनिट है 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रंगीन वस्तु हमको आकर्षित करती है, चाहे वो कोई उत्पाद हो, कोई नेचर हो, कोई प्रोडक्ट हो, ईच एंड एवरी थिंग ह्यूमन उसको देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है। भगवान ने भी बहुत रंगीन दुनिया बनाई है, कलरफुल दुनिया बनाई है, रंगीन पेड़ पौधे, नदी, पशु पक्षी, सब चीज़ रंगीन है। इसी प्रकार जब हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइन की संरचना करते हैं, जिसको कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसके अंतर्गत कलर का बहुत साइकोलॉजिकली उपयोग किया जाता है, साइंटिफिकली उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हमें जान लें कि व्हाट इज कलर, रंग है क्या। रंग एक प्रकार की अनुभूति है, एहसास है, जो कि ह्यूमन आई द्वारा महसूस किया जाता है। एक जो वाइट लाइट होती है, उसके अंदर 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसके मिलाने से वाइट लाइट बनती है, और ये जो वाइट लाइट होती है इलेक्ट्रॉनिक लाइट कहलाती है, और ये वाइट लाइट के अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 कलर्स को मिलाने के कॉम्बिनेशन से वाइट लाइट का निर्माण होता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की विजिबल वेवलेंथ के अंतर्गत की लाइट ही हम देख पाते हैं, और उधर से ही हमारे जो जो वेवलेंथ हैं, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनको हम ह्यूमन आई द्वारा देख पाते हैं, और उससे जो शॉर्टर वेवलेंथ हैं, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ, उनको हम नहीं विजिबल कर पाते हैं। 700 से ऊपर जो है अल्ट्रा इंफ्रारेड, वो भी विजिबल वेवलेंथ नहीं है। हमारे कलर्स जो हमने बेसिक कलर्स RGB लिए हैं, उसमें मुख्य कलर हैं रेड, ब्लू और ग्रीन, जो कि प्राइमरी कलर्स के नाम से जाने जाते हैं। 400 से 500 नैनोमीटर के जो वेवलेंथ है, उससे हमने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वहाँ से हमने ब्लू लिया। 500 से 600, यहाँ से ग्रीन, और 600 से 700 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ है वो रेड। तो इस तरह से हमारे बेसिक प्राइमरी कलर्स का निर्माण हुआ। बेसिक प्राइमरी कलर्स वो कलर्स हैं जिनको की निर्मित नहीं किया जा सकता है, इनके कॉम्बिनेशन से, प्रत्येक दो प्राइमरीज को मिलाने से हमारे सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है, और जो सेकेंडरी कलर दो सेकेंडरीज को मिलाने से टर्शियरी कलर का निर्माण होता है। कलर थ्योरीज को हम दो प्रकार की बेसिक थ्योरीज हैं, एडिटिव कलर थ्योरीज और सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी। एडिटिव कलर थ्योरी के अंदर दो रंगों को जोड़ करके रंग का निर्माण किया जाता है, और सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी के अंदर दो कलर की वेवलेंथ अब्जॉर्ब होती हैं और एक कलर की वेवलेंथ पास होती है। तो इस तरह से हमारी एडिटिव कलर थ्योरी और सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी। एडिटिव कलर थ्योरी के अंदर जितने भी हमारे कलर मॉनिटर्स हैं, टीवीज हैं, पिक्सल्स वाली जितनी भी पिक्चर्स हैं, उन सब के अंदर जो प्राइमरी कलर्स हैं वो RGB हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन हैं, और सेकेंडरी कलर्स हैं हमारे रेड प्लस येलो ऑरेंज, येलो प्लस ब्लू इज इक्वल टू ग्रीन, और ब्लू प्लस रेड वॉयलेट। तो इस तरह से करके हमारे पास सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। जो प्राइमरी कलर सेकेंड प्राइमरी कलर्स हैं RGB हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं हमारे ऑरेंज, वॉयलेट और